अकबर एक बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन महाराणा प्रताप सेना के कठोर कमांडो की तरह थे। दोनों हथियारों के मामले में बहुत अच्छे थे, पर जब हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर एक बहुत ही सक्षम ग्लैडिएटर था। एक बार जब वो गुजरात के एक छोटे से मार्ग पर 3 सैनिकों द्वारा घेरा गया, तो अकबर ने कुछ ही सेकंड में सभी को मार डाला। वो तलवारों में बहुत अच्छा था, उसे तलवारों की शक्ति का असाधारण ज्ञान था। वह तलवारों को प्यार करता था और उनका नाम लेता था। हर रात एक अलग तलवार अकबर के साथ सोती थी। वह कद में छोटा था, लेकिन लंबे समय तक लड़ने के लिए उसके पास शक्तिशाली हाथ और बहुत अच्छी सहन शक्ति थी। वह लड़ते समय एक साथ 2 तलवारों का इस्तेमाल कर लेता था। उसने हाथियों को भी नियंत्रित किया था। वह प्रतिदिन 40 सैनिकों के साथ तलवार चलाने का अभ्यास करता था। उसका कद 5 फुट 7 इंच था, जो कि खामी हो सकती है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने असाधारण निर्माण किया था, अत्यंत शक्तिशाली। वह ताकत और सहन शक्ति दोनों के लिए एक बहुत ही सक्षम ग्लैडिएटर थे। उन्होंने एक हमले में बहलोल खान को मार डाला और उसके कवच और घेड़े के साथ उसके शरीर को फाड़ दिया। इसके लिए असाधारण शक्ति चाहिए। वो बहुत अच्छे तीरंदाज भी थे और भाले संभालने में भी महारत रखते थे, क्योंकि वे जंगली सुअर को उन 2 हथियारों से मारते थे। जंगली सुअर को मारने के लिए बहुत शारीरिक ताकत चाहिए। उनके पास असाधारण सहन शक्ति भी थी। कठिनाइयों के कारण उनका शरीर और भी शक्तिशाली हो गया। अब एक छोटा सा अनुमान मान लीजिए, वह आमने सामने लड़ाई के लिए आते हैं, तो यहाँ 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली बिना हथियार के और दूसरी हथियार के साथ। पहली सिचुएशन देखते हैं। यदि वह बिना किसी हथियार का उपयोग किए हुए लड़ते हैं, तो प्रताप कुछ ही समय में अकबर को धूल चटा दे। अगर लड़ाई तलवारों, हालांकि जब अकबर तलवारों से प्यार करता था, उसे इस बात का बहुत ज्ञान था कि वह प्रताप से बेहतर तलवार का उपयोग कर सकता है, और उस स्थिति में अगर प्रताप की तलवार लड़ाई के बीच में टूट जाती, तो फिर से अकबर को स्पष्ट लाभ होता। अगर लड़ाई तलवारों से होती है, तो क्योंकि अकबर तलवारबाजी में बहुत अच्छा था, इसलिए अगर वह महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों पर हमला करने का उचित मौका ढूंढ ले, तो वह महाराणा प्रताप को मार सकता था। लेकिन महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे और आसानी से छोटी चोटों को सह सकते थे। इसके अलावा राजपूत अफीम लेते थे, जिससे उन्हें बहुत आसानी से दर्द नहीं होता था। तो अब अगर अकबर को स्पष्ट मौका नहीं मिला, तो प्रताप उसे थकाकर और अकबर को 2 टुकड़ों में काटकर लड़ाई जीत सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर दोनों आमने सामने आ जाते तो क्या होता।